डालते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोती लेदागी। गुमला में एक महिला के साथ DC और SP के वाहन चालक द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। कहा, आम जनता के साथ साथ महिलाओं के साथ लगातार हो रहा है अत्याचार। अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक मास्टरमाइंड और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार। मधुपुर से मास्टरमाइंड लॉटरी टिकट का करता था व्यापार। सदर SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। नगर निगम क्षेत्र के अलावे अलग अलग प्रखंडों की पंचायतों में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की दी गई जानकारी। गांडे में आयोजित कैंप में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। और बनियाडे स्थित लंका स्टार अस्पताल में लगाया गया मेगा रक्तदान शिविर। DC नमन प्रेस लकड़ा समेत 64 लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर किया सम्मान। अवैध लॉटरी टिकट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल फोन 13,530 नगद और स्कूटी बरामद किया है। शुक्रवार को सदर SDPO ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गुमला में एक महिला के साथ DC एवं SP के ड्राइवर के द्वारा किए गए दुष्कर्म को लेकर शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से टावर चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में यह घटना पर विरोध जताया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, भाजपा नेत्री शालिनी बशिख्यार, जिला उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, मंत्री मीना गुप्ता, मंत्री गुड़िया देवी, सोशल मीडिया प्रभारी अंजना मिश्रा, किरण पांडे, लता वर्मा, ज्योति देवी, यशोदा देवी के साथ साथ कई स्थानीय महिला सम्मिलित हुई। संगीता सेठ ने कहा कि इस सरकार में यहाँ की माँ बहन बेटी बहू को ही सुरक्षित नहीं है, सभी त्रस्त है और यहाँ सरकार जनता को बुलाने फुसलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। आए दिन हत्या दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी गुमला में जो DC और SP के ड्राइवर ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया वह काफी निंदनीय है और हम महिला मोर्चा की बहनें इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अगर वह सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है तो वह तुरंत इस्तीफा देने का काम करे। मौके पर शालिनी वैश्यकियार समेत अन्य कई महिलाओं ने घटना की कड़े शब्दों से निंदा की। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश निर्देशानुसार हम लोगों ने गुमला में जो DC और SP के ड्राइवर के द्वारा वहाँ की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया उसी को लेकर के उसी के विरोध में हम लोग टावर चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम किए और झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन का काम किए। आप सभी देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन जो अभी कल तक सरकार आपके द्वार जो जनता के बीच लेकर जाने का काम किया, क्या वो जनता के लिए था? नहीं, वह सिर्फ एक दिखावा का काम किया। झारखंड की सरकार अपनी मनमानी और ठगने का काम जनता को कर रही है और इसके लिए तरह तरह के हत्याकांड अपना रही है। झारखंड की सरकार में, इस सरकार में ना यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित है, ना माँ बहन सुरक्षित है, ना यहाँ की जनता सुरक्षित है, तो ऐसे में आप इस सरकार को चलाकर क्या करेंगे? इसलिए हम महिला मोर्चा इसका कड़ी निंदा करते हैं और तुरंत इस्तीफा देने की मांग करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जोहर। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अभी जो झारखंड में खास करके महिला बहनों के साथ हत्या, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही है और अभी हाल में पलामू जिले में DC और SP के ड्राइवर ने एक महिला के साथ बलात्कार का मामला आया है, उसी के निमित्त आज हम लोगों ने यहां पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। क्योंकि इस झारखंड सरकार में हमारी जो माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है।
और आए दिन उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। तो हम सभी बहनों का बस एक ही डिमांड और एक ही मांग है कि ये जो निकम्मी सरकार है, सरकार को उखाड़ फेंकना है और फिर से भय और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की स्थापना करना है। इसलिए आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें उनके खिलाफ खड़े हैं और जब तक हम लोग शासन और सत्ता का परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। सोरेन की ये जो सरकार है इससे तो जनता त्रस्त हो चुकी है। चोरी चकारी की यह सरकार है, हर जगह लूट और भ्रष्टाचार है। और अभी तो फिर हाल फिलहाल आपने कल सुना कि गुमला में एसपी और डीसी के चालक ने, वाहन चालक ने एक महिला का रेप किया। तो क्या है यह, मतलब महिलाओं पर भी अत्याचार, चोरी चमारी के अलावा महिलाओं पर भी अत्याचार करने से यह सरकार चूक नहीं रही है। हम सभी महिला बहनें इसका विरोध करती है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध लॉटरी टिकट के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाड़ी निवासी मोहम्मद रज्जाक अंसारी और मास्टरमाइंड मधुपुर निवासी मोहन कुमार गुप्ता शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन, 110 पीस लॉटरी टिकट, 13,530 रुपया नगद और एक स्कूटी बरामद किया है। अवैध लॉटरी का मास्टरमाइंड मोहन कुमार गुप्ता मधुपुर से लॉटरी को ऑपरेट करता था। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध लॉटरी का कारोबार फिर से फल फूल रहा है। उनके निर्देश के बाद एक टीम गठित कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाड़ी पहाड़ी डी स्कूल के पास खदेड़ कर मोहम्मद रज्जाक अंसारी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से 50 पीस लॉटरी, एक मोबाइल जिसमें ऑनलाइन लॉटरी से संबंधित ऐप तथा लॉटरी खिलाने का साक्ष्य पाया गया। कड़ाई से पूछताछ के क्रम में इसने सारी बातों को पुलिस के समक्ष रखा और मास्टरमाइंड मोहन कुमार गुप्ता की भी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लॉटरी के अवैध कारोबार करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि 3 माह पहले अवैध कारोबार करने वाले धंधेबाजों को पकड़ा गया था। एक बार फिर से जब यह मामला संज्ञान में आया तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक का सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत पर जिले में अवैध कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, एसआई अभिषेक कुमार, एएसआई सरजू पासवान आदि मौजूद थे। देखिए, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर शहर में या गिरिडीह जिला में अवैध कारोबार नहीं चलेगा। इसी क्रम में जो लॉटरी का जो धंधा चल रहा था, हम लोगों ने करीब तीन महीना पहले ही इसे पकड़ा था और कुछ लोगों को जेल भेजा था। तब से बंद थी, लेकिन ये अवैध लॉटरी खिलाने वाले कारोबारियों ने अपना मोडस को चेंज किया और ये मधुपुर से ऑपरेट कर रहे थे। तो इसी में सूचना मिली थी पुलिस को और हम लोग लगातार निगरानी कर रहे थे और थाना प्रभारी मुफस्सिल थाना के एसआई अभिषेक कुमार, एसआई सरजू पासवान और पुलिस बल के द्वारा कल पहाड़ी डी में, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में है, वहां से एक रजाक अंसारी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। उसी के पास से एक मोबाइल पकड़ा गया जिसमें लॉटरी से संबंधित ऑनलाइन जो ऑपरेट किया जाता है उसका ऐप भी इंस्टॉल था और लॉटरी का टिकट भी बरामद किया गया और कुछ पैसे भी बरामद किए गए। तो उसने अपने कन्फेशन में बताया कि ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो इसको हम पता चला कि व्यक्ति जो मधुपुर का रहने वाला है वहां से टिकट लाता है और दोनों मिल करके, इसमें और लोग भी हैं, ये अवैध लॉटरी का धंधा चलाया जा रहा था। चूंकि बिहार झारखंड में लॉटरी का धंधा वैन है, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई किया है और प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों को गिरफ्तार किया है, इनके पास से दो मोबाइल और मोबाइल में ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल है और पैसा बरामद किया गया है और लॉटरी का टिकट बरामद किया गया है। शहरी क्षेत्र में अभी भी कई स्थानों पर लॉटरी टिकट बेचा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एसपी गिरिडीह का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर लॉटरी का अवैध धंधा नहीं चलेगा। चूंकि झारखंड में लॉटरी बैन है तो वह नहीं चलेगा।
वार्ड नंबर 17 और 18 के लिए शुक्रवार को टावर चौक के पास पुराना नगर निगम कार्यालय परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल लगाए गए थे। इस कैंप में काफी संख्या में लोग पहुंचे और विकास योजनाओं के लाभ को लेकर आवेदन दर्ज किया। स्टॉल के माध्यम से लोगों को भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कई भाजपाई नेता भी मौजूद रहे। इस बाबत भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसको लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार पूरी तरह से लगे हुए हैं। शिविर के माध्यम से योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता दिनेश यादव ने बताया कि मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत यात्रा के तहत कैंप लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि जो लोग पैसों के अभाव में अपना रोजगार नहीं कर पाते हैं, वैसे 18 प्रकार के कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। सबसे पहले ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक दिनों के हिसाब से 500 रुपए के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त के लिए टूल किट दिया जाएगा, जिसके बाद मोदी जी की गारंटी पर 5% के दर पर 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। बाद में 2,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, सुभाष सिन्हा, संदीप डंकेज, हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय, संजय सिंह, दीपक शिवनकार, ज्योतिष शर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, प्रोफेसर विनीता कुमार समेत कई भाजपाई गण मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पूरे गिरिडीह जिला के सभी पंचायतों में मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है और मोदी जी की गारंटी है कि कोई भी परिवार भूखा न सोवे, इसकी गारंटी मोदी जी के साथ है कि प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री में अनाज मुहैया कराया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी है कि कोई भी गरीब परिवार असाध्य बीमारी अगर भगवान न करे हो, यदि हो जाए तो इलाज के अभाव में इलाज से वह वंचित न रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और सारे परिवारों को जो गरीब परिवार है उनको आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया गया है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि 2047 में मेरा भारत किस तरह से आत्मनिर्भर होगा, ये मोदी की गारंटी है। आज गिरिडीह नगर निगम में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टॉल लगा हुआ है, आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है। भारत का कार्यक्रम मोदी जी का आप अप्लाई कीजिए, चल रहा है मोदी जी की गाड़ी हर गांव कस्बे शहरी आज नगर निगम क्षेत्र में इसका कार्यक्रम हो रहा है। इसके अंतर्गत में गरीब परिवार जो कामगार लोग हैं जिनको काम जानते हैं करना बहुत बढ़िया से जानते हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो काम नहीं कर सकते, वैसे कामगार 18 प्रकार के कुम्हार मिस्त्री, लोहार मिस्त्री, नाई, धोबी, 18 प्रकार के जो कामगार हैं जो सामाजिक काम करते हैं लेकिन पैसे का भाव में वो विकास नहीं हो पा रहे, वैसे लोगों को विकास कराने के लिए मोदी जी ने 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण में भाग लेने वाले को 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मानदेय मिलेगा। क्योंकि मोदी जी ने हर एक चीज मुहैया कराया है, चाहे इलाज कराना हो मुफ्त में है, राशन मिल रहा है, अन्य प्रकार के जितने हैं जल नल योजना का लाभ मिल रहा है, हर एक प्रकार की योजना का लाभ मिल रहा है। ये सब कब हो रहा है, जब भारत के नागरिकों ने मोदी जी की गारंटी की सरकार को चुना और इसका फलाफल है कि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है।
बनियाडी स्थित लंकास्टर अस्पताल में शुक्रवार को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीसी नमन प्रियस लकड़ा समेत 64 लोगों ने रक्तदान किया। इसमें से कई रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। अतिथियों के हाथों इन रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में जयंती सरकार नामक एकमात्र महिला ने भी रक्तदान किया। इस दौरान अपने संबोधन में डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के स्वास्थ्य सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीसीएल के इस कैंप से 64 यूनिट रक्त संग्रह किया गया जो जरूरतमंदों के काम आएगा। उन्होंने जीएम समेत सीसीएल की पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि रक्तदान शिविर को लेकर पूरे साल का कैलेंडर तैयार किया जाएगा ताकि ब्लड बैंक में कभी ब्लड की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के लिए विभिन्न संस्थाओं से बातचीत की जा रही है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सीसीएल के जीएम बाशप चौधरी ने रक्तदाताओं के साथ साथ सीसीएल के चिकित्सकों व कर्मियों को शिविर को सफल बनाने के लिए बधाई दी। इस मौके पर सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एस के सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर एस पी मिश्रा, डॉक्टर परिमल कुमार, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, पूर्व उप चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, मुखिया शिवनाथ साव, डॉक्टर पी के सिन्हा, डॉक्टर सोहेल अख्तर, ब्लड बैंक के संत कुमार, मंजीत रंजीत सुधीर, सीसीएल के समीम अख्तर, ओम प्रकाश यादव समेत अन्य लोगों ने शिविर की सफलता में अहम भूमिका निभाई। 21 दिसंबर 2023 को हम लोग सीसीएल बनियाडी के अस्पताल पे यहाँ पे मौजूद हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। रक्तदान महादान आप सभी ये जानते हैं और हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से इसको काफ़ी आप लोगों के मदद से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया है और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया है। इसी क्रम में मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज काफ़ी संख्या में न सिर्फ सीसीएल एडमिनिस्ट्रेशन के बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीएस साहब, जीएमसीसीएल, पीओसीसीएल, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स जो कि इस फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं उनकी उपस्थिति में आज अभी तो लगभग 56 हो गए हैं और ये हम लोगों का जो टारगेट था आज 50 से ज़्यादा का वो उससे भी काफ़ी अच्छा हम अचीव कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी स्वस्थ जो व्यक्ति है पुरुष या महिला वो प्रत्येक 3 महीना में रक्तदान कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही ये काफ़ी एक सेफ और एक हेल्दी प्रोसेस है और आप अगर नियमित तौर पर रक्तदान करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी भी आप अचीव कर सकते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि ये एक ऐसा दान है जो कि सबसे ही ज़्यादा नेक और सबसे ही ज़्यादा ज़रूरत है जो सोसाइटी को। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में थैलेसीमिया के बच्चे हैं, काफ़ी हमारे पास में कुछ ट्रॉमा के कुछ रोड एक्सीडेंटल के केसेस आते हैं। पुनः मैं ये दोहराना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही एक सेफ़ प्रोसेस है और कोई भी हेल्दी एडल्ट इसको नियमित 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है और आप सभी से ये अपील है कि रक्तदान करके काफ़ी खुशी की भी अनुभूति होती है और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन और चेतना भी जागृत होती है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सदर अस्पताल, सी एस साहब, जी एम सी सी एल, सी सी एल के सभी पदाधिकारीगण, रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण को हम लोग धन्यवाद करेंगे। अराज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ गिरिडीह शाखा के सदस्यों ने शुक्रवार को डीडीसी ऑफिस स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय में नवनियुक्त डीडीसी दीपक दुबे से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कर्मियों ने उप विकास आयुक्त दीपक दुबे का गिरिडीह जिला में स्वागत करते हुए बूके भेंट किया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर शाखा के लोगों ने डीडीसी को अवगत कराया। गिरिडीह शाखा के कर्मियों ने मुलाकात के दौरान कहा कि पूर्व डीडीसी शशिभूषण मेहरा के स्थानांतरण के बाद से उप विकास आयुक्त का पद खाली था, इस कारण यह पद गिरिडीह के डीसी संभाल रहे थे।
डीडीसी दीपक दुबे ने संघ के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान जिला मंत्री अनूप कुमार, कोषाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद, मुरारी राम, राजेश कुमार, सौरभ कुमार, विजय कुमार वर्मा, संजय रविदास उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को गांधी प्रखंड के कुंडलवधा में पर्वतपुर में किया गया। इस दौरान पर्वतपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सहकुर वर्मा, सांसद अनुपूर्णा देवी शामिल हुई। मंत्री के मौके पर पहुंचते ही भाजपाइयों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं JSLPS की दीदियों द्वारा मंत्री महोदया व अन्य अतिथियों का तिलक लगाकर व परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। मौके पर मंत्री महोदया ने अपने संबोधन के पश्चात कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वाला संकल्प यात्रा रथ हर एक पंचायत तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 से अब तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है, आप सभी लोग उन योजनाओं का 100% लाभ उठाए, तभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम सफल होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया सहित अन्य कई विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपस्थित लोगों के समक्ष रखी। वही मौके पर इस क्रम में लाभुकों समेत प्रशासनिक व विभागीय पदाधिकारियों व कर्मियों ने अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने को लेकर संकल्प लिया। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रमुख राजकुमार पाठक, सांसद प्रतिनिधि गिरिडीह अनुमंडल अर्जुन प्रसाद वर्मा, वीडियो निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, मुखिया परमिला देवी, मुखिया कादिर अंसारी, पर्वतपुर पंचायत मुखिया पति लखन प्रसाद वर्मा, युवा नेता मनीष कुमार, पुरुषोत्तम चौधरी, प्रकाश यादव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, कुंडलवाधा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मकबूल अंसारी हरिमंडल, पर्वतपुर मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र वर्मा सहित कई भाजपाई जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के कर्मी, पदाधिकारी व सैकड़ों आमजन उपस्थित थे। भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर छुट्टी से इसकी शुरुआत की। देश के सभी पंचायत में ये यात्रा, ये रथ जाएगी। ये रथ मोदी की गारंटी वाले का है और इसके माध्यम से भारत सरकार की जो योजना है उसको सैचुरेशन लेवल। पचम्बा थाना क्षेत्र के परसा टांड में शुक्रवार को सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांव के चरखी निवासी महेंद्र रविदास और बेंगाबाद निवासी चंद्रशेखर दास एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गिरिडीह आ रहे थे। इस दौरान परसा टांड में एक मारुति वैन से इसकी मोटरसाइकिल में धक्का लग गया, जिससे सड़क पर गिरकर यह दोनों घायल हो गए। दोनों रोहित बागडिया के यहाँ बताया गया कि दोनों पचम्बा में एक माइका फैक्ट्री में काम करता है। यह किसी बीमार रिश्तेदार को देखने हॉस्पिटल जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5-स्टार रेटिंग के साथ जल्टिक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टर लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर
से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करें बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहां आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें अग्रिम बुकिंग के लिए। संपर्क करें हमारा पता लाल सन कंपनी शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मगतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला साथी ई रिक्शा, जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहां पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला साथी ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइस 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहां उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1,000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं, तो अब बिना देर के अभी पहुंचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहां कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पूरा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित
उप नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवनधारा नर्सिंग होम गिरिडीह पचम्मा मेन रोड बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901, 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटजोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बर्मसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561995551 2065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत।
विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बाजार टांड के रहने वाले उपेंद्र भुइया की मौत सरिया रेलवे लाइन में ट्रेन से कटने से हो गई। शुक्रवार को इनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 18 वर्ष से उपेंद्र भुइया गुरुवार को घर से टहलने के लिए निकला था। यहां शाम तक जब घर नहीं लौटा तो घर वाले इसे ढूंढने लगे, जिसके बाद इसका शव सरिया में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि यह घर से निकलकर सरिया रेलवे लाइन तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। कहाँ कराने वाले? तो घटना कहाँ हुआ? घटना तो इधर वसरिया। क्या चीज से कटा था? कब पता चला था? रात में 11 बजे। रात में जब फोन किया, क्या बोला गया? बताया गया, फोटो भेजा गया, मोबाइल दिखाया गया, उससे मिला। नया पुल सिहोड़ी के निकट शुक्रवार को रोजगार झारखंड जोहार झारखंड के बैनर तले एक बैठक की गई। बताया गया कि झारखंड में बेरोजगार युवाओं को झारखंड नीति लागू कर रोजगार देने 60, 40 और 80 की नीति नहीं चलेगी, जैसे 11 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की गई। साथ ही रोजगार झारखंड जोहार झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार नया तो जोहार नया का नारा भी दिया गया और 1932 का खतियान नीति को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। बताया गया कि 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करने से हम सभी बेरोजगार युवा बाध्य होकर उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। बैठक का संचालन डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। युवा साथियों का हमारा जोहार, रोजगार ना आए तब जोहार ना आए कि आज एक कार्यक्रम भले ग्राउंड लेवल पर सिहोड़ी भी सिटी हॉस्पिटल में, जिसमें हम सब दायित्व किए कि आज हम सभी लोग झारखंड में एक बड़ा आंदोलन के रूप में कैसे युवा साथियों को आगे बढ़ा सके। हमारा युवा साथी आज बेरोजगार के नाम पर गरीब का बेटा बाहर से आकर के, छोटे छोटे कस्बे से आकर के गिरिडीह में माड़ भात और चोखा खा करके अपना जिंदगी बिता रहा है। इन लोग को एक अपना अधिकार के लिए अपना मांग प्रस्ताव लेकर के पूरे झारखंड में एक आंदोलन के लिए तैयारी बना रहा है, जकर नाम है रोजगार झारखंड जोहार झारखंड। रोजगार ना आए तब जोहार ना आए, पहला है। दूसरा है कि झारखंड में बाहरी झारखंडी नेता के बेटा नेता नहीं बनतो, झारखंड में झारखंडी बेटा के नेता बनतो, ये पहला मांग। दूसरा मांग है, तीसरा मांग हम सभी के है कि झारखंड के बेटा बाहर मुंबई दिल्ली और सूरत में जाकर के मजदूर के नाम पर रेलाई और डंटा लाठी नहीं खेतो, अब झारखंड में रोजगार लेतो, झारखंड में आंदोलन करतो। और चौथा है कि हम सब झारखंड के 1932 खतियान के जो मांग कर रहे हैं, इसमें हम सभी का मांग है कि 1932 खतियान में अब 40, 60, 80 न चलतो, 100 में 80 चाहिए, 20 के भागीदारी हम तय करबो ककरा ककरा चाहिए। अब पांचवा में हम सभी के मांग है कि झारखंड में जितने भी आज तक हमारा बाहरी नेता है और जितने भी आज तक हमारा खनिज पदार्थ के रूट ले है, कोयला हमारे यहाँ, अवरक हमारे यहाँ, बालू, उस सब के हिसाब झारखंड में आके दिए चाहिए और झारखंड के आंदोलनकारी हमारा युवा साथी सब आंदोलन करके और ओकर हिसाब लेते और हम उसकी मांग पर हम सब बढ़ लिए। पहले रोजगार फिर जोहार, हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहो ये कि हम जब तब तक रोजगार तब तक जोहार सरकार के ना करबे जब तक हमारा रोजगार ना मिलते। और इसी के साथ हम दसवां में हमारा मांग है कि झारखंड में आज तक जितने भी तरह के फॉर्म हर बार जैसे JPSC के फॉर्म भले ओकरा में कितने लोग जितने लोग के लड़का के पर अच्छा परसेंटेज में पास भी भले ओकरा इंटरव्यू के नाम पर छाँट दिए गए फॉर्म भरवा करके और 15-20 दिन में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ये भी एगो बड़ा धंधा चल रहा है। इस धंधाबाजी को भी बंद करे के एक हम ये आह्वान लेकर के चलबे, नहीं तो तब तक हम जोहार झारखंड रोजगार झारखंड के बैनर तले आंदोलन हम सब करते रहे जब तक इस सिस्टम से ये सारा चीज ना हटो है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, रोजगार झारखंड। बिंगाबाद थाना क्षेत्र के
गोलगो गांव में एक मासूम बच्चे की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। शुक्रवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोप है कि बच्चे की मां ने ही गला घोटकर इसकी जान ले ली। बताया गया कि मोहम्मद तरजुद्दीन अंसारी गूंगा है, उसकी पत्नी अफशाना खातून सिलाई का काम करके घर चलाती थी। बताया गया कि यह 6 महीना पहले अपने मायके गई थी और मायके से अपने रिश्तेदार के घर उत्तर प्रदेश चली गई। वहां से लौटने के बाद यह बात कर ससुराल वालों से झगड़ा कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गुरुवार को इसने अपने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। रात में जो है सो अपना पति को जो है सो निकाल दिया था, जो दिल को अपना रूम से निकाल दिया कि जाओ यहाँ पर नहीं सोना है। और आ गया अपना मम्मी के पास, वहाँ जो है सो गई दूसरे रूम में, और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके बच्चा के साथ सो गई। और सो गई तो घर में जो खाना बन गया, खाना बनने के बाद जो सो खाना बांट दिया गया, और मेरी पत्नी बोली कि जा करके उनको बोल दीजिए वो सुतल है, निकल नहीं रही है, खाना खा लेगी। तो उसको गए कहने के लिए, दरवाज़ा बंद था, उसको ठोके दरवाज़ा को खटखटाएँ और बोले कि तुम क्यों सोई हुई है, क्या बात है, खाना खा लो। तो बोला कि मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इसलिए हम खाना अभी नहीं खाएंगे। उसके बाद हम वहाँ से आ गए अपना रूम में और जो है सो हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं। उसके बाद जो है सो आधा भी खाना हम नहीं खा पाए तब तक उधर से वो आ गई मेरी पुतैया बहू, और आई और बोला कि जो है सो मेरा पति को जो है आसिफ का अब्बा को भेज दीजिए, वहाँ पर सोएगा वो लड़का। आसिफ का अब्बा जो है वो तो गंगा है, तो गंगा तो नहीं बोलता है, तो उसको बोला कि भेज दीजिए। तो हम जो है सो अपना पत्नी को बोले कि जो सो वहाँ बुला रहा है तो भेज दीजिए इसको, तो वो वहाँ से भेज दी। अब जब गई वहाँ पर, गया ये रूम में, जैसे रूम में अंदर घुसा वो देखा कि बच्चा जो सो मरा हुआ है, वहाँ पूरा चिल्लाने लगा एकदम, पूरा हल्ला करने लगा। उसके बाद मेरी पत्नी गई दौड़ के वहाँ, एकदम क्या हुआ क्या हुआ, वो दौड़ के गई। उसके बाद खाना खाने छोड़ के हम भी दौड़ के गए तो देखते हैं कि बच्चा जो है सो एकदम बिखरा पड़ा है, मतलब एकदम जो है सो ख़त्म हो गया इस तरह से, जो सो देखे हम लोग सब पगला गए एकदम देख के, गला दबा दिया, गला दबा दिया। अब हम लोग देखें तो एकदम बका गए। उसके बाद उसको कुछ नहीं, कुछ नहीं वो बोलने लगी। फिर उसको वहाँ से हम डॉक्टर के पास वहाँ ले गए नज़दीकी डॉक्टर के पास, तो वो बोले कि नहीं बच्चा अब जो सो ख़त्म हो गया। भाकपा माले की अगुवाई में शुक्रवार को काफी संख्या में लोग अफसर कॉलोनी स्थित पीएचडी 2 कार्यालय में पहुंचकर नल जल योजना में हो रही लूट की शिकायत की। इस दौरान कार्यपालक अभियंता पेयजल मुकेश कुमार मंडल को एक आवेदन सौंपा गया। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि हर घर नल जल योजना में मची लूट और कोथाई संबंधित विभाग बंद करें और ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन को बाध्य होगी। कहा कि जिस तरह नल जल योजना का ढोल पीटा जा रहा है वैसा धरातल पर दिख नहीं रहा, बल्कि इस महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर जमकर लूट हो रही है। कई गांव टोलों को इस योजना से वंचित रखा गया है, जबकि जहां इस पर काम भी हुआ वहां भी जैसे तैसे काम करके निकलने की प्रवृत्ति दिख रही है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। आमतौर पर पानी के लिए बोरिंग की गहराई कम और सप्लाई पानी के लिए खुदाई भी मानक से कम की जा रही है। कई गांव टोलों में पानी की घोर किल्लत है। इन सब समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है। मौके पर माले के गिरिडीह प्रखंड ग्रामीण के सचिव मनोज यादव, लोकल कमेटी के सचिव संजय चौधरी सहित संतोष राय, शफीक अंसारी, मुशरफ अंसारी, वासदेव मंडल, नीतीश कुमार, दलिया देवी, उर्मिला देवी, परमिला देवी, कलावती देवी, मौसेमत जमनी, मौसेमत तारा, खुशबी देवी, चिंता देवी, जूली देवी, परमिला देवी व अन्य मौजूद थे। भाकपा माले की अगुवाई में हम लोग पीएचडी 2 विभाग में यहाँ आए थे और हम सभी लोग यहाँ गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के कई गांव में जो पानी की समस्या व्याप्त है और अभी जो घर घर नल जल योजना जो का जो काम हो रहा है उसमें जो कोताही बरती जा रही है, उन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक लिखित शिकायत अभी यहां पर एग्जीक्यूटिव साहब को हम लोगों ने दिया है। हम लोगों की उनके साथ बात भी हुई है और बहुत ही पॉजिटिव माहौल में बात हुआ है। उन्होंने सारे समस्याओं को अभी चिन्हित किया है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दिया है
इन सारे सवालों पर वो कल से परसों तक इसको जाकर के संज्ञान में लें और जो सवाल हल हो सकते हैं उसको तत्काल हल किया जाए और बाकी चीजों को भी देखा जाए। हम इस आदेश का, हम इस सहयोग का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन सवालों को लेकर के हम लोग आज आए थे और जो लिखित रूप से हम लोग अभी मेमोरेंडम यहां दिए हैं उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। खास करके कल दिगोजोरी गांव में जो दास टोला में पानी की समस्या व्याप्त है, चाहे मनियामाड़ी गांव में जो नल जल योजना का जो टंकी लगा है वो लगाने के साथ ही वो फट गया है, या जो पाइप वगैरह गाड़ा जा रहा है उसमें जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, इन सारे चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल हल होंगे और अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित रूप से भाकपा माले और भी जनता को एकजुट करके हम लोग तब आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इनरवल क्लब ऑफ गिरिडीह ने समाज द्वारा उपेक्षित किन्नर समाज के दो लोगों को शुक्रवार को बरगंडा जिला एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उन्हें सहयोग प्रदान किया। काजल और चांदनी नाम की किन्नर को इन्होंने आमंत्रित कर उनसे सुख दुख बांटे, साथ ही उन्हें साड़ी शॉल बेडशीट इनरवेल थैला और नगद रुपए भेंट स्वरूप दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने किन्नर समाज की ओर से आम लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोई उन्हें उपेक्षित नजरों से ना देखे, वे भी आम लोगों के जैसे ही इंसान है। कार्यक्रम में क्लब प्रेसिडेंट रेखा तरवे, इंटरनेशनल इनरविल एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, क्लब सदस्य आराधना एवं साध्वी सिंह आदि उपस्थित थे। गांडी विधानसभा के समाज सेवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शुक्रवार को तेलोडी में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच उम्दा कंबलों का वितरण किया। मौके पर स्थानीय मुखिया सबीर आलम ने मोमीन कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष मुफ्ती सईद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसे शख्सियत की जरूरत है। मुफ्ती सईद साहब जिस तरह से पूरे जिले भर में घूम घूम कर लोगों को ठंड से बचाने का काम कर रहे हैं वह काफी सराहनीय है। वहीं सईद साहब ने कहा कि जिस गरीब जरूरतमंदों तक पहुंच पा रहा हूं, मैं अपनी ओर से उन तक ठंड से बचाने के लिए कंबल इत्यादि पहुंचाने का काम कर रहा हूं और आगे भी जारी रहूंगा। मौके पर डॉक्टर मोहम्मद एजाज, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद जावेद इत्यादि उपस्थित रहे। को हमारे तेलोडी पंचायत में हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम साहब ने गरीबों के बीच में कंबल वितरण किया और ये हमेशा हर साल ठंड के समय में आते हैं और जितने भी जो गरीब है, असहाय है, जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए ये कंबल वितरण करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं और हमेशा गरीबों के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया है, पानी देने का काम किया है, बहुत जगह जल मीनार बनाने का काम किया है, वजू खाना बनाने का काम किया है, तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो गरीबों के बारे में सोचे और उनके भलाई के लिए काम। मालूम है कि लगातार हम 2003 से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज गांडे विधानसभा के तेलोडी पंचायत में हम आए और यहाँ जो बड़े बुजुर्ग जो ज़रूरतमंद थे ऐसे लोगों को हमने कंबल देने का काम किया। इसके अलावा भी बहुत से ज़रूरतमंद होंगे जो कुछ लोग छूट गए होंगे, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों की ठंड में कंबल मिल जाए। और लगातार ये सिलसिला चल रहा है गांडे विधानसभा और गिरिडीह जिला के अलग अलग गांव में और गिरिडीह जिला के अलावा दूसरे जिला में भी ये सब काम कर रहे हैं। ब्लैंकेट के अलावा और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे पानी का मसला है या और कोई समस्या है, इसके लिए भी हम लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, शिक्षा से भी जुड़े काम कर रहे हैं। आगे भी हम आप सबकी सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। आप सबकी दुआ आशीर्वाद की ज़रूरत है। गांव पंचायत भवन में अबुआ आवास को लेकर शुक्रवार को गांव मुखिया कन्हाई राम की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन पंचायत सेवक कार्तिक विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। बैठक में पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों के उपस्थिति में अबुआ आवास के योग्य लाभुकों का चयन हेतु विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान मुखिया कन्हाई राम ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अबुआ आवास के निर्माण हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। कहा कि चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर अबुआ आवास लोगों को दिया जाएगा। मौके पर रोजगार सेवक संदीप कुमार, वार्ड सदस्य पूजा विश्वकर्मा, रेशमा प्रवीण, गुलशन कुमार, समाज सेवी रंजीत राम, सुरेश चौधरी, पप्पू बर्णवाल, मुकेश राम, रोहित कुमार समेत कई उपस्थित थे। आज गाँव पंचायत कार्यालय में अबुआ आवास को लेकर एक विशेष ग्राम सभा की गई। विशेष ग्राम सभा में गाँव पंचायत के तमाम ग्रामीण उपस्थित हुए, हमारे पंचायत सचिव से लेकर वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, सभी लोग। और उपस्थिति में मैंने सभी ग्रामीणों को यह बताया कि अबुआ आवास अभी हम लोग को जो मिला है लगभग 40 से 50 के बीच में मिला है, जो कि उसमें 50% SC/ST का है और 5% मिलिट्री का है, 5% जनरल का है और 36% जो है सो OBC का है। अभी जितना भी अबुआ आवास हम लोग के पास मिलेगा, जो भी गृहविहीन लोग हैं जिनको निहायत ज़रूरी है, सबसे पहले मैं उन लोग को प्राथमिकता के आधार पर पहले मैं अबुआ आवास दूंगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद जो भी व्यक्ति बचेंगे अगला बार आने के बाद उन सभी को फिर से पुनः लाभ दिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।